तो हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम एक एसी होल्डर फ़ैन बनाने वाले हैं जो कि यूट्यूब पर आपको पहली बार इस तरीके से फ़ैन बनाकर दिखाऊंगा। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो गाइज 20 वाट के एलईडी बल्ब की मैं बॉडी ले रहा हूं, तो ये बॉडी थोड़ी गंदी है इसलिए गाइज मैं ब्लेड से घिस रहा हूँ। आपके पास भी अगर गंदी बॉडी हो तो आप भी इस तरीके से घिस सकते हो, नहीं तो चल जाएगी गाइज, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं गाइज। तो इस तरीके से घिसने के बाद चमक रहा है, मतलब कि इसको हमने गोरा किया फेयर एंड लवली लगा के। तो फिर हमें एक चार्जर का किट लेना है, एक डीसी टॉय मोटर और गाइज एक थम्सअप स्प्राइट की छोटी वाली बॉटल। तो पहले तो इस पुराने मतलब कि जो आप निकालोगे किट पुराने चार्जर का, तो उसके इनपुट में इस होल्डर की वायर कनेक्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से। आपके हिसाब से आप कर सकते हो गाइज, कोई नहीं। तो फिर आउटपुट में गाइज प्लस माइनस लिखा होगा, वहाँ पर भी रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट कर देनी है जो कि हमारी मोटर में लग जाएगी। तो इसके अंदर डालना है। फिर गाइज एक MDF बोर्ड ले रहा हूँ मैं, और लेने के बाद इस पर इसकी इस तरीके से मार्किंग ले रहा हूँ, मतलब कि गाइज ले रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो गाइज, ले रहा हूँ गाइज। तो लेने के बाद गाइज देख सकते हो, तो इस मार्किंग से थोड़ा छोटा गाइज एक पीस कट करना है, मतलब कि राउंड शेप, तो इस बॉडी में मतलब कि लॉक है इसलिए लॉक कर रहा हूँ। तो देख लो गाइज, इसके सेंटर में गाइज छोटू सा एक होल कर देना है, फिर इस मोटर का शाफ्ट इस होल में डालकर गाइज इस मोटर की मार्किंग ले लेनी है, मतलब कि साइड मार्किंग। तो फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट होने के बाद इसमें अंदर मोटर डाल लेनी है गाइज। तो ये मोटर तो वैसे भी गाइज एकदम फिक्स आती है, लेकिन एक्स्ट्रा मजबूती के लिए गाइज मैं इसमें साइड में जो फेविकॉल होता है उसको लगा रहा हूँ। तो अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको सूखने रख देना है। तो आफ्टर सूखने के बाद गाइज ये एकदम मजबूती से बना है। तो फिर इस मोटर में गाइज जो जो हमने प्लस माइनस वायर निकाली है उसको कनेक्ट कर दें, लेकिन गाइज इसका मतलब कि कहाँ से घूम रहे हो देखकर कनेक्ट कर देना गाइज। तो कनेक्ट करने के बाद ये गाइज अंदर का किट ही रहा, इसको पैकिंग दे देनी है। तो आप किसका भी पीस कट करके वहाँ पर पैकिंग दे सकते हो कभी भी से चिपका कर। तो चिपकाने के बाद गाइज ये भी इसको चिपका देना है। तो इसको लगा कर पहले तो फेविक्विक से मदद से हल्का हल्का चिपका देना है गाइज, ये चिपकेगा नहीं अच्छे से। तो फिर हमें गाइज इसको एक्स्ट्रा मजबूती के लिए ऊपर से फेविकॉल लगाना है, मतलब कि गाइज एक्स्ट्रा मजबूती ऊपर से टूटा फूटा गाइज कुछ नहीं हो सकता, मेड इन क्रिएटिव नरू बाई फेविकॉल। तो गाइज इसको चिपका देना है, क्या ही बोलें। तो फिर हमें प्रोपेलर बनाना है, प्रोपेलर बनाने के लिए इस बॉटल को यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट होने के बाद इसको इक्वल 6 पार्ट में गाइज कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से 6 पार्ट में गाइज इसको कट कर लेना है, और एक एक छोड़ के एक को कट कर लेना है, मतलब कि 3 रह देने हैं और 3 को कट कर लेना है एक एक छोड़ के। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कट कर लेना है, बीच का नहीं कट कर लेना गाइज, नहीं तो प्रोपेलर गया। तो एक एक छोड़ कर फिर हमें इसको पंखुड़ी का शेप दे देना है, आपके हिसाब से आप दे सकते हो गाइज, लंबा चौड़ा कैसा भी गाइज कैसा भी। तो इसी तरह के तीनों को कर देना है। तो देख लो गाइज ये प्रोपेलर हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है, तो इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरीके से बड़ा होल कर देना है, और फिर गाइज इस तरीके का एक गियर लेना है आपको, और फिर इससे गाइज क्या होगा गाइज जो हमारा प्रोपेलर है ना गाइज एकदम ढंग से घूमेगा गाइज, ये वाइब्रेट नहीं करेगा हमारी मोटर, इसलिए गाइज ऐसा किया गाइज, अगर सीधा होल कर देते तो वाइब्रेट करता गाइज। तो फिर इस पंखुड़े को इस तरीके से मोड़ दें ताकि हवा ज़्यादा आ सके, इसलिए तो आप भी गाइज मोड़ सकते हो गाइज। तो फिर गाइज गाइज ज़्यादा हो रहा है, तो गाइज इसलिए गाइज इसको यहाँ पर लगा लेना है। तो ये देखो गाइज होल्डर प्लग विथ होल्डर मैंने ही बनाया, तो आप वीडियो में जाकर दे मतलब कि मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो इसकी वीडियो, तो देख लो आप। तो गाइज इस फैन की हवा एकदम शानदार तरीके से मतलब कि ज़ोरदार तरीके से आती है। तो आप इसके जहाँ पर एक जगह बैठकर काम करते हो तो गाइज ऊपर से एक होल्डर लेकर गाइज अच्छे से हवा ले सकते हो। अगर आप बैठकर काम करते हो वहीं पर एक जगह, तो गाइज वॉल में जो वॉल होल्डर आता है उस पर इस फैन को लगाकर आप वहाँ पे हवा ले सकते हो गाइज। ये एकदम एसी से वर्केबल है गाइज, आपको चार्जिंग रिचार्जिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का बटन है उसका दबा दीजिए, ठोक दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन क्लिक होना चाहिए गाइज। तो गाइज कर ही दो आप क्या।